हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, आपके अपने पसंदीदा चैनल को, मार्शल शम्मी को, और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, ये है बाजू बनाने का तरीका। एक बॉक्स बनाएंगे, लंबाई चौड़ाई, बॉक्स तैयार हो जाता है, उसमें निशान लगाते हैं, फिर हम पहला निशान जो लगाते हैं वो होता है कैप के लिए, और जो कैप के लिए दूसरा निशान लगाते हैं स्लिप हेड के लिए। मेरा फर्स्ट नप कैप का निशान है, ये जैसे कैप नपेगी, फिर सेकंड निशान होगा ये स्लिप हेड का निशान है, यहाँ से स्लिप हेड नापी जाती है और मसल भी यहीं से नापी जाती है। तीसरा निशान होता है कोनी का, यहाँ से कोनी नापी जाती है, इसको हम लाइनों को लाइनें होती है इनको हम पक्का कर देते हैं ताकि वो लास्ट तक हमारे को दिखाई देती रहे। एक निशान लगाएंगे, सेंटर का निशान लगाएंगे जहाँ से हमारी बाजू चढ़ती है, उस सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर उठा के एक निशान लगाते हैं, गुलाई काम में आएगा। एक क्रॉस निशान लगाते हैं कैप से मिला के, और 1.5 सेंटीमीटर की तरफ से लगाते हैं फ्रंट की तरफ से, स्लीव हेड से 1.5 सेंटीमीटर हटा के, और कैप से निशान लगा के सीधा एक निशान आड़ा निशान लगाएंगे। एल्बो का और मोरी का निशान लगाने के लिए एक आड़ा शेप लेंगे, ये मोरी का निशान आ गया, कोनी का निशान आ गया, अभी ये फ्रंट बाजू बन रही है, उसकी शेप शक्ल तैयार कर रहे हैं। फिर उसको मोरी को एक तरफ कोना बन रहा है, इसलिए इसको एंगल बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर हमने इसको ऊपर कर दिया, कुल मिला के इसको हमने एंगल में रखना होता है, या कोनी से 3 सेंटीमीटर की शेप देते हुए स्लिप हेड से मिलाएंगे। इन सीम और आउट सीम दो निशान तैयार लग गए, बाजू की शक्ल थोड़ी क्रॉस होती दिखाई देगी आपको। हम इसको रीशेप मॉडिफाई करेंगे, ऊपर का हेड मॉडिफाई करेंगे, थोड़ी सी गुलाई ला के जो पहले निशान सीधा लगाया था वहाँ से मॉडिफाई करके गुलाई निशान लगाएंगे बैक का। पूरी तरह
प्रॉपर शेप। देखिए कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है तो उसको हम बढ़िया से शेप देते हैं। ये शेप भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि बाजू की शेप क्या होनी चाहिए। ये आपको और दिखा रहे हैं और दोबारा से रीशेपिंग कर रहे हैं, इसकी कोना दिखाई दे रहा था ऊपर का। एक्चुअल में अंडे की शेप आनी चाहिए, अंडे का जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ नोक ज़्यादा होती है वो हिस्सा ऊपर का दे इस बाजू में देनी होती है। अंडे की शेप, निचला भाग को नज़र में रखते हुए उसकी शेपिंग करते हैं। दूसरे आपने मेजरमेंट हमने बता ही दिया कि ये कितना हटके लगता है निशान। इससे अगली वीडियो में हमने आपको बताया था कितना डिस्टेंस रखते हैं इसका। तो ये कंप्यूटराइज डिज़ाइनिंग है, आपको दिखा देंगे बना के। हमने वादा किया था कि आपको बना के दिखा रहे हैं तो रीशेपिंग के लिए आपको दिखा रहे हैं। आप तो अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कंप्यूटर से बाजू कैसे बनाते हैं, और सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चीज़ें समझाते जाएंगे। हमने इससे पहले बैग आपको बना के दिखाई थी, अब ये बाजू बना के दिखा रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको और नई चीज़ें दिखाएंगे, फ्रंट दिखाएंगे, बाकी चीज़ें दिखाएंगे, कलर हो गया, फैशन हो गया, पूरा एक पीस तैयार हो जाएगा। आपको ध्यान से देखते रहना है। सारी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के ही आपको हमारी वीडियो सारी मिल पाएंगी। जो जो हम आगे वीडियो डालेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली आती जाएंगी आपके पास। तो देखिए हमने ये बाजू की शक्ल शेप शक्ल बना दी है। ये अभी फ्रंट बाजू है, थोड़ा सा शेप इसमें कम लग रहा है गोलाई में, बस और शेप देने के लिए थोड़ा सा इसको झुकाया है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको देखिए कि जो हमने बॉक्स बनाया था उससे मोरी के पास से 1.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा, तो उसके अंदर और शेप थोड़ी चाहिए होती है। अभी हम अभी इसके बाद दिखाएंगे कि एक्चुअल में मोरी के अंदर कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितनी दूरी रहने चाहिए आपस में, तो जो गुलाई एकदम सही आ जाए। ये बैक बाजू की इसमें शक्ल दे रहे हैं। इसी फ्रंट के अंदर ही बैक बाजू का शेप दी जाती है। ये देखिए बैक बाजू के लिए यहाँ से थोड़ा सा और बढ़िया शेप बनाएंगे। एंगल के लिए हमने एक चौकोर बॉक्स बना दिया, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा एंगल ठीक है कि नहीं है। एंगल को कॉपी करके उसमें लगा के देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है थोड़ा सा और घुमाना चाहिए था। इनसाइड की रीशेप, एक्चुअल में जो फ्रंट की शेप है वही बैक की शेप होनी चाहिए, दोनों शेप आपस में मिलने चाहिए। सेट हो गया।
हटा देते हैं बुक्स को। ये दोनों नाप लेंगे हम इनसीम, फ्रंट की और ये बैक की, दोनों इनसीम नाप लें आपस में, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। दोबारा नाप के देखते हैं, ये रेड निशान देख रहे हैं, इसको नाप रहे हैं हम। आप इसको देख लीजिएगा, दोनों इनसीम बराबर चाहिए, दोनों की शेप शक्ल थोड़ी सी ज़्यादा होती है बैक की, गहराई होती है थोड़ी सी, मैंने मुझे बताया था 1 सेंटीमीटर। उसको और घुमा झुकाते हैं आगे की साइड, बैक को ज़्यादा घुमाते हैं, फ्रंट को थोड़ा कम घुमाते हैं। अगर कोनी की शेप बन सके, परफेक्ट बैठ सके। तो अब बैग का आर्म होल शेप देखिए कैसे बनाएंगे, उसकी शेप क्या होती है। आर्म होल से 5 सेंटीमीटर की दूरी से ऐसे शेप देंगे, सीधा वहाँ ले जाएंगे बैग क्रॉस बैग की तरफ। देखिए प्रॉपर शेप मॉडिफाई। मैं एक्चुअली में आपको ये नज़र में भरना है, इसकी शक्ल बैक की शक्ल क्या होती है, बैक बाजू शक्ल क्या होती है, फ्रंट बाजू शक्ल क्या होती है, ये आपकी नज़र में होना चाहिए। हमने इसको एक बैक को कॉपी करके एक बाहर निकाला, एक अलग बाहर निकाल ली। इसमें से फ्रंट बाहर निकालेंगे कॉपी करके, इसी के अंदर दोनों चीजें थी, बैक और फ्रंट थी, बैक निकाल दी, फ्रंट बाहर निकालेंगे। ये बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। जो हमने एक बॉक्स बनाया था ये आ गया बाहर, बॉक्स ख़त्म कर दिया। ये फ्रंट बाजू है, फ्रंट बाजू बैक बाजू दोनों साथ में ला के हम चेक करेंगे। इसको हमने रट दिया, बैक बाजू से बैक बाजू आपस में मिला के चेक करेंगे। थोड़ी सी रीशेपिंग की ज़रूरत है, हमने बाहर निकाल के देखा, महसूस हुआ थोड़ी सी रीशेपिंग की ज़रूरत है। उसको बार बार हमारे को शेप पे ध्यान रखना होता है, जहाँ से खड्डा उड्डा दिखाई दे या सीधा दिखाई दे तो प्रॉपर शेप करनी होती है। जैसे हम पलटते हैं करते हैं तो हमारी शेप थोड़ी सी बदल जाती है, तो हम उसको परफेक्ट करना पड़ता है। हमारे को हम चाहें तो बीच में बाजू लंबी हो जाने की वजह से इसमें जॉइंट भी दे सकते हैं, ताकि बाजू बहुत लंबी हो जाती है हमारी खाद में निकलती नहीं है। हमने नाप के देखा,
दोनों बैग को नाप के देखेंगे, घुमा के देखेंगे पूरा बैठता है तो छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा। दोनों रेड निशान देख रहे हैं, हम नाप रहे हैं इसको, घुमा के देख रहे हैं बिठा के, बराबर है। इसकी दूरी नाप लेते हैं, जिस पे बैठने के बाद गोलाई एक दूसरे के दूरी डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये हमारे को पता होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आप चाहें तो जोड़ भी दे सकते हैं। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो इसमें सारे मेजरमेंट हमने दिया था, हाउ टू मेजर। हमारी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, हाउ टू मेजर का हमने पूरा मेजरमेंट दे रखा है, कहाँ पे कितना रखते हैं, उसमें जाके आप हमारी इससे पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ अभी सिर्फ टेक्निक दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल वो हमने थ्योरी बताई थी आपको, रिटर्न के अंदर दिखाया था, ये प्रैक्टिकल आपको बना के दिखा रहे हैं। दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और आप हर वीडियो को हमारी देखें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जहाँ आपको समझ में कुछ कोई दिक्कत आए तो हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कैसे करें, तो हम अवश्य आपको जवाब देंगे, ईमेल का जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे आपको। और ये देखिए हमने इसको मिला के देखा, बिल्कुल बराबर था, दोबारा चेक करके देखते थे, कोने से कोना मिल जाना चाहिए, ऊपर ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, बाजू की शक्ल लगभग ठीक है। ये यहाँ से आपके देखा था, भी आपने देखा बैक से बैक की दूरी, मॉडिफाई मिला के देखा, थोड़ा सा खड्डा हो रहा था तो हमने उसको सीधा किया है। दोनों नोट मिला के देखे तो थोड़ा सा खड्डा महसूस हो रहा था, उसको ठीक किया। मॉडिफाइंग जब तक हम सर्टिफाइड नहीं होते तो कंप्यूटर के अंदर पूरी तरह से छोटी चीज़ स्क्रीन होती है, छोटी सी चीज़ होती है, इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है शेप सही है कि नहीं। मैनुअल कागज़ का होता है, एक्चुअल साइज़ होता है, हम जल्दी से समझ लेते हैं। अब बाहर से हमने चेक कर लिया, अब इनसाइड से भी हम चेक करेंगे, इस शेप खड्डा वड्डा तो नहीं आ रहा, अंदर के शेप भी गोलाई होने चाहिए, कहीं कोना नहीं होना चाहिए, ना ही कहीं सीधा होना चाहिए, प्रॉपर एक जैसी शेप होनी चाहिए। और लंबाई दोनों के साइड जुड़ेंगे आपस में तो उसको चेक करना ज़रूरी है कि ये बराबर है कि नहीं, और शेप शक्ल में कोई खड्डा वड्डा तो नहीं है, कहीं से ऊँचा नीचा हो रहा हो। तो ये देखिए थोड़ा सा खड्डा दिखाई दिया था तो हम इसको रीशेपिंग कर रहे हैं, दोनों मिला के। ये उस टाइम बैग का हाईलाइट किया, ये हमारी
रीशेपिंग बैक की। जहाँ पर जो अंडे थोड़ा सा खड्डा दिखाई दे रहा है तो शेप लानी पड़ रही है उसको। पेशेंस रखिएगा, पूरी सब पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। बस धीरज रखेंगे, ये चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ा सा तो त्याग चाहिए होता है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, प्रॉपर जानकारी। अब इसको पलट के हमने इधर लिया है, दोनों मिला के चेक कर रहे हैं किनारे, एज बैक एज दोनों आपस में मिला के देख रहे हैं। देखिए लगभग फ्रंट और बैक बाजू तैयार होने वाली है। हम इसकी एक चीज़ और भी चेक करते हैं, बीच में से काट के दोनों मिला के देखते हैं तो हमारे बैक उठी होनी चाहिए, फ्रंट खड्डा देख रहे हैं जैसे खड्डा होना चाहिए, ये भी हम चेक कर सकते हैं। हम कागज़ का अगर बनाएंगे तो उसको मुड़ के देखते हैं, बैक का हिस्सा उठा हुआ होना ही चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर 1.5-2 सेंटीमीटर जहाँ पे वो क्रॉस बैक होता है तो ये ठीक है। इसको आपस में जोड़ के दोबारा से मिला के देख लेंगे, चेक कर लिया हमने ठीक है। दोस्तों बाजू कंप्लीट हो गई, आपने देखा कंप्यूटर से कैसे बाजू बनाते हैं। तो अगर उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें ईमेल करिए, कमेंट्स करिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू, बाय, सबा खैर।